मेरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, इसी वीडियो में ना आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रॉपर आंसर की भी हम आपको बताएंगे, और इसका आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम 50 नंबर का एग्जाम होगा, टाइम 1.5 घंटा का आप लोगों को जो है ना दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सेशन ए में आप लोगों से जो है ना टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताता हूँ। पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि समीकरण दिया गया x+y = 14 और x-y = 4, तो इसको हल करने पर एक्स और वाई का मान क्या आएगा। तो याद कर लीजिएगा, समीकरण आप निकाल सकते हो, विलोपन विधि वगैरह से आपको पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स का मान 9 आएगा और वाई का मान 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, दो नंबर है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो तो बताइए उनमें से एक संख्या चूंकि दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो बताइए रैखिक समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, x-y = 26 और x = जो है ना 3y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर है, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान बताइए क्या होगा। तो याद कर लीजिए, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 89 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चार नंबर क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपये है और उनकी जो है ना आमदनी का अनुपात 7:9, तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या होगा। तो याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये लगभग आपका प्यार बच्चों जो ना 4500 के करीब होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ देखिएगा, अगली प्रश्न पाँच नंबर बोला जा रहा है, समीकरण दिया गया a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो बताइए इसका द्वितीय हल क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल a1 बटे a2 नहीं होगा, b1 बटे b2 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 नंबर है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, यानी कि यह कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोगों को नोट कर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है कि बताइए sin θ × cos θ का वैल्यू क्या होगा। तो ये फॉर्मूला पूछा है, याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है। प्रश्न नंबर जो है ना 8 नंबर, यदि cos θ = 21/29 है तो बताइए sin θ का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, sin θ में लंब बटे कर्ण होता है, इसमें आधार बटे, तो कर्ण लंब निकालना है, बस लंब निकालिएगा ना, तो लंब आपका जो आएगा 8 नंबर का देखिएगा, ये लंब आपका 20 आएगा, यानी कि बिल्कुल आपको नोट करना है, 21/20/29 ऑप्शन भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है तो वह क्या कहलाएगी। तो याद रखिएगा, 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा, बेस आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि sin θ = cos θ तो थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, cosec 90 डिग्री - θ का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा, cosec आपका किस में बदल जाता है, बिल्कुल किस में बदलेगा प्यार बच्चों, ये बदलेगा sec में, तो sec θ हो जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर की, sin 18 डिग्री / cos 72 डिग्री है, तो ऊपर में आप जोड़ दो, 18 में 72 72 जोड़िएगा तो डायरेक्ट sin 90 का वैल्यू क्या हो जाता है। बिल्कुल नोट कर लो, राइट आंसर यहाँ पर कट के आपका 1 बराबर रहेगा, 12 का नोट कर लो, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 13 है, मूल बिंदु दिया गया है, मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। तो आप नोट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लेना, 0 चूंकि 0। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, तो याद रखना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भुज कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना, यानी कि आपका 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होगा। तो आप याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका तृतीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल
बिंदु से बिंदु 3-4 की दूरी क्या होगी, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी नोट कर लेना है 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिंदु ए बी तथा -A -B के बीच की दूरी क्या होगी, तो याद कर लीजिए, इसको निकालिएगा ना दूरी सूत्र से, एक्स का रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ पर मान आपका निकल जाएगा ऑप्शन ए के बराबर 2 जो है ना, क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा 2√a² + b². चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न आपके सामने 19 नंबर बोला जा रहा है कि बिंदु x1 चूंकि y1 तथा x2 चूंकि y2 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे, तो याद रखिए 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि x का x1 प्लस x2 बटे में 2। अगले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना, 20 से बिंदु दिया गया x1 चूंकि y1 तथा x2 चूंकि y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु x चूंकि y, तो m1 अनुपात m2 का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा 20 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से बोला गया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 21 नंबर का ऑप्शन ये नोट कर लेना है, ये 1/2 × 1/2 × ऊंचाई ऑप्शन होगा ये। और क्वेश्चन नंबर 22 है, दो यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:21 है, तो बताइए उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका 2πr होगा, एच होगा। तो प्यारे बच्चों पहले चलिए आपको हम PDF को डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं, और इसी चैनल पे क्लास 10th में के लिए आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, उसके लिए डेली लाइव क्लास आप लोगों का जिस टाइम अभी आप लोग क्लास ये कर रहे हो ना, मेरे 6:30 बजे यानी कि शाम में 6:30 बजे लाइव क्लास होता है, और आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाता है, तो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए सिखा देंगे, और PDF भी डाउनलोड करने के लिए आपको हम सिखा देते हैं। बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, फिर जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग फटाफट से चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे ही ओपन होगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, नीचे आओगे ना तो देखना क्लास जो है ना 10th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 10th अगस्त मंथली एग्जाम, तो इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाइए, पेज को रिफ्रेश करने है, हर एक वीडियो में बोलता हूँ पेज को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना, नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को रोक करके आप लोग अभी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना, फिर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, फिर फाइनली नीचे आओ, इधर आपको पेपर का नेम मिलेगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का पेपर जो भी चाहिए ले सकते हो, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस मैथ और टोटल है, और उर्दू नॉन हिंदी सारा है ना, तो सारा है, फिलहाल हम मैथ का कर लेते हैं ना, डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ भी पेज को रिफ्रेश करना है, पेज को ऊपर की ओर खींच देना है, रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है ना नीचे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर के, ठीक है, इसको लिख लीजिए, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखाऊंगा, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बोला जा रहा है 24 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट करना है 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन नंबर 25 है कि गोला का आयतन क्या होता है, तो 25 नंबर का याद रखना है, ऑप्शन बी होगा 4/3πr³। क्वेश्चन नंबर 26 है वर्ग चिन्ह का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, या बिल्कुल आपका हो जाएगा उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे में 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न कि यदि 5 परीक्षणों में एक्स चूंकि x+2 चूंकि x+4 चूंकि x+6 तथा x+8 का माध 11 है, तो x का मान निकालना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका परिसर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसका मान आरे की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, तो वह 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये बिल्कुल माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है, तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि माध्यिका के निर्धारण में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते, देखिए अब जो है ना आपका दीर्घोत्तर मतलब लघुत्तर प्रश्न है, 2 नंबर बोला, इसमें 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न का ही जवाब देना है, 2 नंबर बोला 10 नंबर के लिए आपका होगा, तो एक एक प्रश्न को देख लीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि यह कोई कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना हो तो कोण का कोणों को अभिव्यक्त करे, और 2 नंबर की यदि
दो संख्याओं का योगफल 7 और गुणनफल 12 हो तो संख्या ज्ञात करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 नंबर की यदि दो संख्याओं का योग 16 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग यदि 1/3 है तो संख्या ज्ञात करिए। और 4 नंबर यदि किसी भिन्न के अंश दो भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाता है, यदि हर में 1 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। 5 नंबर की यदि cos थीटा बराबर 3/4 तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। और 6 नंबर की tan 47/cot 43 का मान ज्ञात करिए। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 37° प्लस cos 30° प्लस tan 60° का मान ज्ञात करें। और 8 नंबर की बिंदु -5 -1 और 3 चूंकि -5 तथा 5 2 को से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 9 नंबर की जो है ना यदि बिंदु 7 चूंकि -2 और 5 1 तथा जो है ना 5 1 और 3 चूंकि 1 के से बने त्रिभुज का शून्यक जो है ना क्षेत्रफल का शून्यक तो के का मान ज्ञात करें। 7 नंबर के पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखे, तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें लॉन्ग प्रश्न है, 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न का जवाब देना है, 5 नंबर बोला यानी 15 नंबर के लिए होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देख देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बराबर 90° है तो बताइए। यहाँ पर जो ना AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 2 नंबर को 12 नंबर क्वेश्चन की 30° का मान ज्यामितीया की सहायता से ज्ञात करो। 13 नंबर की दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर सम्मुख से जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाओं का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यह है 14, यह है 15। तो प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का आंसर की मैं डालूंगा और नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं जिसमें आंसर की भी इसका दिखा दूंगा, और इंग्लिश का पेपर जो भी पेपर है सारा मैं अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।